नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में एक दुकान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। बता दें कि दुकान स्वामी द्वारा किराए पर दी हुई दुकान, जो कि 3-4 साल से बंद पड़ी हुई थी, बिना किराएदार को सूचित कर दुकान के ताले तोड़कर तोड़फोड़ की गई। किराएदार को पता चलते ही किराएदार ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों द्वारा की जा रही तोड़फोड़ को रुकवाया। और पुलिस के आते ही दुकान में तोड़फोड़ करवा रहे दबंग दुकान स्वामी वहां से भाग निकले। कोतवाली शहर बिजनौर के स्टेट बैंक कॉलोनी के बाहर नया गांव निवासी व्यक्ति ने सन 90 से दुकान किराए पर ले रखी है। किराएदार का कहना है कि सन 90 से लगातार उसके द्वारा दुकान का किराया दिया जा रहा है और कोर्ट में दुकान खाली करने का मुकदमा भी विचाराधीन है। किराएदार ने दुकान स्वामी पर आरोप लगाते हुए जबरन दुकान में तोड़फोड़ व दुकान खाली कराने का आरोप लगाया और जानकारी देते हुए बताया। कुमार, नया गांव से टिटू मेरा नाम है। मैंने 90 से दुकान यहाँ किराए पर ले रखी थी और इसमें मेरा 15-20 साल जो होटल चला इंडिया होटल के नाम से, जो बिजनौर के टोटल अधिकारी जानते हैं, ठीक है। अब मेरी 3-4 साल से दुकान बंद थी। इसने कहा कि या तो 20,000 रुपये मेहनत है, 25,000 रुपये मेहनत है, नहीं तो मैं मुकदमा घेर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा दुकान बंद है, मैं गांव में चला गया अचानक बाबा बीमार होने की वजह से। इसने मेरी दुकान पर मुकदमा घेरा, जो लघु बात में मैं हार गया। हारने के बाद में इसमें मैं परसों ही हारा हूँ और मेरा जो इस समय एडीजे फर्स्ट के हैं अपील पड़ी है। आज मेरी तारीख थी। इसने अपना वकील खड़ा कर रखा, वहाँ ये बैठ कर रखा कि आज दुकान खाली करवा लेंगे, जज साहब से आदेश कराएंगे। मेरे वकील साहब भी वहाँ खड़े थे, मैं वहाँ खड़ा था। इन्होंने फर्जी पुलिस वाले बुलवाकर, मैंने पुलिस वालों से आकर कहा कि अपना आदेश दिखाओ, इनके पास कोई आदेश नहीं थे। हमारे जूनियर वकील साहब आए, उन्होंने कहा पुलिस का आदेश दिखाओ। पुलिस वाले ऐसे भगे जैसे वे मेरी डकैती करने आए थे, उनके पास कोई भी पुलिस का आदेश नहीं था। ये तुमने हम लोगों को क्या कहा? मैं आत्महत्या करना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने जो कहा था कि तुझे तो मान नहीं है वो, मैं किसी से नहीं मनना चाह रहा, मैं अपना आप ही मनना चाह रहा। मैंने तेल गिरा था अपने ऊपर, इनसे परेशान होकर। और इसके बाबा ने जो पिस्तल रख रखा था वो पिस्तल निकाला, जब मैंने कहा पिस्तल की कैसे दोष दे, तो उसने पिस्तल अपना साइड में लगा लिया, लाइसेंस कहा है। बराबर में ही है दुकान मालिक है, गुड्डू अभी गया मुस्लिम है। दुकान मालिक है क्या है वो? मैं दुकान मालिक है, मैं लगातार सन 90 से इसका किराया देता चला रहा हूँ आज तक। अब भी 2,000 रुपये इस महीने का तक का भी जमा है मेरे पास, जो कोर्ट ने मुझे आदेश कर रखा है कि किराया जमा करते रहो, दुकान में रखे। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।